होली बीतने के साथ ही उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का सितम दिखाई देने लगा है। चंद दिनों में ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मार्च महीने में ही मई जून वाली गर्मी पड़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान काफी ज्यादा हो गया है और आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है, जिससे इन इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मौसम की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके अलावा देहरादून में आज हल्के बादल छाए रहेंगे, यहां का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा जम्मू की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेह में अब भी ठंड मौजूद है, यहां का आज का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। उधर लखनऊ का मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां भी पारा बढ़ रहा है। राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। यह स्थिति 24 मार्च तक बताई गई है। वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान और वेस्टर्न MP के कुछ हिस्सों में लू चलेगी।